ये चित्रांकन जब हनुमान जी सीना चीर के दिखाते हैं कि मेरे तो रोम रोम में राम विराज में अब पुरुषकार सब पाए श्री हनुमान हर साए मेरे मन में राम बसे हैं कह छाती चीर दिखाए रोम रोम में राम विराजे राम छवि दिखलाए सिया राम हृदय राम कंठ राम नैन राम मुकट राम भुजा राम हाथ राम साथ गदा राम है यहाँ राम वहाँ राम धरा राम गगन राम मगन मारुति के रोम रोम राम राम मनोजली मनोजलीगढ़ी और आज आपकी एक ऐसी सक्सेस से मुलाकात कराना चाहता हूँ जिन्होंने हास्य व्यंग ही नहीं बल्कि बाल साहित्य और अपने अनोखे धार्मिक पुस्तकों पर विशेष योगदान दिया है और भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण जहाँ मंदिर का निर्माण चल रहा था वहीं पटाखा जी की भगवान राम पर बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ लिखी जा रही थीं जो कि जनवरी में 2024 में जिस तरीके से भगवान राम के मंदिर का भव्य तरीके से निर्माण के बाद मोदी जी मोदी जी भगवान राम के दर्शन करेंगे 22 जनवरी को वहीं ठीक दूसरी ओर अलीगढ़ के पटाखा जी अलीगढ़ के ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश के पटाखा जी जो हाथ से कवि हैं अपना मुकाम हासिल किया है इन्होंने अपनी कविता में वो भगवान राम पर अपने अंदाज में कसीदे करने का कार्य कर रहे हैं आज पटाखा जी आपने मुझे समय दिया मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका और... बहुत बहुत आभार मेरे प्रिय मनोज अलीगढ़ी जी आप बड़े व्यस्त रहते हैं और व्यस्त क्षणों में आपने मेरे साथ गुफ्तगु का जो आपने समय लिया और समय दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ पटाखा जी की सरल मृदु भाषा और सरल स्वभाव से आप लोग समझ ही गए होंगे कि पटाका जी बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं व्यक्तित्व के धनी हैं। पटाखाजा की पटाका जी से बात शुरू करने से पहले मैं पटाखा जी एक निवेदन कर रहा हूँ आपसे जी जब आप पुलिस की पुलिस में थे साथियों आप कवि होने से पहले पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी रह चुके हैं लंबी कहानी है वो हम बाद में जोड़ेंगे उससे पहले एक थोड़ा सा व्यंगात्मक यादगार दिला देता हूं आप लोगों को जोड़ता हूँ पटाखा जी वो क्या हुआ था जब इंदिरा गांधी जी ने घोषणा कर दी थी कि नसबंदी होनी है और में। सन सतहत्तर में नसबंदी होनी है और आपके पास अधिकारियों का हमला आ गया कि भाई पटाखा जी आपको नसबंदी करानी है तो वो थोड़ा सा बताइए क्या वाक्य था देखिए वो मुझे वाक़ा आज भी याद है और बिल्कुल चलचित्र की तरह मेरे सामने आ जाता है आपने मुझे याद दिलाया उसमें मेरे चार बेटियाँ थीं और मैं इंटेलिजेंस में हुआ करता था मेरी पोस्टिंग थी मथुरा में और मेरे डिपार्टमेंट में जितने भी जिनकी नसबंदी हो चुकी थी वो सब अपने लगे हुए थे मैं ही बचा था उसमें और जिस दिन मैं मेरे लिए उन्होंने हुक्म दिया कि आज आपको चलना है और आज, आज आपकी नसबंदी होनी है तो पूरा जमला मेरे साथ आ गया एक गाड़ी आ गई उसमें पूरे हवलदार और सब इंस्पेक्टर सब बोले बैठिए गाड़ी में और चलिए और मेरे सामने एक फार्म रख दिया उस फार्म पर मुझे दस्खत करने थे तो मैंने कहा जी दस्खत करने से पहले क्या मैं इस पर चार लाइन लिख सकता हूँ बोले लिख दीजिए तो मैंने उस पर पंक्तियाँ चार लाइन लिखी और वो चार लाइन मेरे लिए मुझे, मुझे मुक्त कर दिया उन चार लाइनों ने वो लाइनें थी कैसी है असमानता कैसा विद का लेख और लल्ली घर में चार हैं लल्ला हुआ ना एक लल्ला हुआ ना एक हुआ नसबंदी हल्ला अरे उस दिन करवा लेंगे जिस दिन होगा लल्ला बस मित्रों इन पंक्तियों ने मेरा उद्धार कर दिया और उसके बाद परमात्मा की कृपा से मेरे चार बेटियाँ और आईं और एक बेटा जो चित्रकार है शिवाशी शर्मा ये सब प्रभु की लीला का चमत्कार है हम जानते हैं सब अपना भाग्य लेकर के आते हैं और बेटियों के भाग्य से ही पिता का सर्वस्व होता है मैं कहता हूँ मेरी बेटियाँ हैं जिनके प्रभाव से आज मेरी सौ किताबें हैं उनके ही प्रभाव से मैं बेटियों को अपने हृदय का एक स्थल मानता हूँ क्योंकि बेटियाँ ही समाज को और हम सबको और हमारे राष्ट्र को मजबूत करती हैं वाह पटाखा जी मैंने तो व्यंगात्मक शैली में आपसे पूछा था लेकिन आपने तो बड़ा हृदय स्पर्शी बात कहकर लोगों को जोड़ने की कोशिश करी हमारे बीच में सैकड़ों श्रोता और दर्शक जुड़े हुए हैं और यकीनन पटाका जी के इस व्यंग को सुना होगा लेकिन ये व्यंग नहीं उनकी पीड़ा थी मन की पटाखा जी की तीन चार बेटियाँ थीं बेटे Uh, के दर्शन नहीं हुए थे जब तक और पुलिस का भय था पुलिस में नौकरी करते थे आला अफसरानों से बचना था तो चार पंक्तियां लिख दी और चार पंक्तियों से ही बच्चे हो गए नौ जय हो <laughs> तो पटाखा जी बड़ी अच्छी बात है और बहुत सारे श्रोता दर्शक सुनने पटाखा जी आपने आपकी उम्र क्या है लगभग बयासी वर्ष उम्र है या साठ वर्ष उम्र है या सत्तर वर्ष है लोग बड़ा सस्पेंस में है पहले तो अपनी उम्र खोली है आप देखिए मेरी उम्र मैं तो जवान हूँ मैं अपनी उम्र किसको क्या बताऊँ मेरी कविता में साठ वर्ष का लगता हूँ और वैसे चलने फिरने में भी साठ साल का लगता हूँ लेकिन असली बात यह है कि मैं पूरा बयासी वर्ष का हो चुका हूँ और अब भी मैं कविताओं के साथ खेलता हूँ कविताएँ मेरे साथ खेलती हैं और मैं कविताएँ लिखता हूँ जब भी जैसा मूड होता है गाता हूँ गुनगुनाता हूँ यही मेरे जीवन की दिनचर्या है कविता के साथ उड़ता हूँ कविता के साथ सोता हूँ कविता ही मेरे जीवन का एक ऐसी सरगम बन गई है जो मुझे मेरे साथ चलती है जीवन की धारा में कल 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 बहना है सुख दुख की लहरें हैं लहरों में रहना है काहे को डरना है रे कल 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 बहना है रे वाह मैं तो जिंदगी और जीवन को एक बहती हुई धारा की तरह देखता हूँ और जिसमें हम सब बहते हुए जा रहे हैं आनंद के साथ आनंद सब मनाते रहिए और गुनगुनाते रहिए वाह बहुत ही अच्छा आपने संदेश दिया पटाखा जी एक मेरा निवेदन है वो पर्सनल सवाल है आप चाहें तो जवाब दें या ना दें आपका नाम है प्रेम किशोर जी आखिर पटाखा कौन सी सन में हुए पटाखा का कुछ रहस्य मैं भी नहीं जानता ये सन साठ बासठ के आसपास की बात है मैं उन दिनों कविता के मंच पर धीरे धीरे आने लगा था और प्रेम किशोर के नाम से ही कविता पढ़ता था एक दिन काका जी ने मेरी मुलाकात हुई उन्होंने मुझे दीप छठ दाबू जी के मेले में बुलवाया ये कौन है काका क्या आपके बड़े भाई थे काका अरे ना? काका हाथ रसी हमारे जमाने के काफी बड़ा नाम से सम्राट उनकी कृपाओं का कितना आनंद हमें मिला उन्होंने हमें ये नाम दिया वो कहते थे हम काका तुम पटाखा दोनों मिलकर डालो डाका वाह और हम डाका क्या डालते गए आपके दिलों पर छाते गए और आज भी हम आपके दिलों पर अपनी कविताओं से डाका डालते हैं आप मुस्कराते हैं खिलखिलाते हैं और हम मंत्र मुस्कराने के आपके बीच पर रखते हैं बहुत अच्छी बात बताई आपने सन बासठ में बासठ सिक्सटी टू से जी। पटाखा जी उस समय प्रिंटिंग का बड़ा ज़माना सख्त था एक एक-एक शब्द को जोड़ जोड़ किताबों को बनाया जाता था जी और आपने सौ पुस्तक छापी आपके नाम से छपी मैंने बहुत सी एक बार आपकी लाइब्रेरी में देखी थी सैकड़ों पुस्तक रखी हुई थी तो कहीं ऐसा नहीं कि आपने जो जो रिकॉर्डर और कैसेट्स चलती थी क्या आपने उस जमाने में भी अपनी प्रस्तुति देकर लोगों के दिलों को जीता देखिए प्रभु की इतनी कृपा रही कि सन एटी में मैं एक तरह से काका हाथरसी जी और बड़े बड़े जो दिग्गज कवि हुआ करते थे उनके बीच में कमल की तरह खिलने लगा और मैं कविताओं में मेरा विस्फोट पूरे हिंदुस्तान में होने लगा तो मुझे एच एम ने बुलाया कि हम आपके रिकॉर्ड्स बनाना चाहते हैं उन्होंने मेरे रिकॉर्ड्स निकाले और रिकॉर्ड्स के बाद फिर मेरी किताबें निकाली कैसेट निकाले और दुनिया मुझे ऐसी मिल गई जो मेरे साथ ताल से ताल मिलाकर चलने लगी और मैं प्रकाशित होता हुआ प्रसारण होता हुआ आपके बीच में आता गया और आपकी मुझे आशीर्वाद मिलते गए लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया पाठकों ने मुझे गले से लगाया और इस तरह से मेरी ये यात्रा काव्य यात्रा प्रकाशन की यात्रा जीवन की धारा के साथ जुड़ गई पटाजा पटाका जी यूँ तो साहित्य में बड़ा दम होता है समाज में घट रही घटनाओं को आप लोग अपने शब्दों के माध्यम से सत्ता के गलियारों तक मठाधीशों के पास तक पहुँचा देते हैं जो शोषित वंचित और गरीब लोग हैं उनकी पीड़ा को अपने शब्दों में बयां कर देते हैं क्या कोई कभी ऐसा वाक्य हुआ जो आपने आपके हृदय पर घर कर गया हो और उसके कविता पाठ के माध्यम से आपने मैसेज बड़ी भीड़ के अंदर सुनाकर लोगों की मदद का उद्देश्य आगे बढ़ाया हो देखिए कविता हमारे हृदय से जुड़ी हुई एक ऐसी विधा है जो खिल जाए तो फूल की तरह मुस्कराती है फूल की तरह खिलखिलाती है तो कविताओं का ही प्रभाव था कि हम उसकी सरगम में रहा करते थे तो हमारे सामने जब भी कोई बड़े बड़े दृश्य आए उन पर हमारी पीड़ा जागृत हुई जैसे आतंकवाद हुआ आतंकवाद पर जहाँ अलग अलग विस्फोट हो रहे थे हमारी कविता बोल रही थी बम फटा ट्रेन में बगड़ बम बम फटा प्लेन में बम 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 फटा चांदनी चौक बीच बम फटा अनेकों उड़ेसिस बम फटा पुलिस मुख्यालय पर बम फटा किसी देवालय पर बम बगड़ बम 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 इस तरह से हमने कविता लिखी एक एक घंटे तक हम मंचों पर सुनाया करते थे इस तरह से और भी जैसे सुनामी आई सुनामी लहर को देखते ही हमारे अंदर से कविता की लहर फूटी और हमने सुनामी लहर से बातें की कहते हैं सागर की अपनी होती है मर्यादा उस पावन मर्यादा ने ही इस सागर को बांधा सागर अपनी मर्यादा से अब तक नहीं हिला है सागर मंथन से ही हमको अमृत कलश मिला है फिर कैसे तांडव कर बैठी लहर लहर तूफानी डूब गए पलकों में सपने मौन हो गई वानी ऐसा लगता था सागर की लहरों में मतलब इस तरह से हमने बातें की तब हमें लहर ने बताया कि हमारा ये जो इसका कारण है आने का लक्षण बता रहे हैं युग के धरती डावाडोल अब सोचो कैसे बच पाए अपना ये भूगोल सतपथ ही जीवन का पथ हो जीवन पथ अमृत है जीवन पथ को ला लाते रथ पर संस्कार के व्रत हैं जैसा वातावरण रहेगा वैसा ही मन होगा जहाँ प्रेम की सुरभ बहेगी वह चंदन बन होगा इस कविताएं तो साथियों अक्सर सुना होगा आपने एक <coughs> जहाँ न पहुंचे रवि वहाँ पहुँचे कवि तो ये तो तय कर दिया पटाखा जी ने कि इनका जो मन था चंचल मन सुनामी की लहरों से जाकर मिला और व्यंग आपस में संवाद किया कि भाई इस तरीके का तुम प्रहार क्यों कर रहे हो मानव जाति को नुकसान पहुंचा रहे हो तो लहरों ने इन्हें बताया कि जब प्रकृति का दोहन आपके लोग कर रहे हैं तो हमारी मजबूरी हम भी क्षति पहुंचाएंगे क्या कुछ यही है बिल्कुल यही सत्य है और हमें प्रकृति के साथ ही रहना हमारी सबसे बड़ी मर्यादा है अगर हम प्रकृति के साथ रहेंगे प्रकृति हमारे साथ रहेगी ये हमारा मेरा क्या है यही कविता की मर्यादा है और कविता अपनी मर्यादाओं से अपनी बात कहती है पटाखा जी बहुत आप ज्ञान के अधा सागर हैं और हम प्रयास कर रहे हैं आपके साथ जिस तरीके से नदी के बहाव में पानी आगे बढ़ता जाता है तो मैं कुछ कदम आपके साथ चलने की कोशिश करूंगा जिससे मेरे जीवन में भी कुछ बड़ा परिवर्तन हो और आपके पतचिन्नों पर चलकर आगे बढूं। हास्य कवि की बात हो गई चिंतन विषय पर बात हो गई बाल मन पर भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले मैंने सुना है कि आप भगवान राम के परम अनन्य भक्तों में हैं अक्सर आप भगवान राम के गीतों से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं आखिर आपके मन में भगवान राम इतना कैसे घर कर गए जो आप हर शब्द में भगवान हे राम कल्याण करेंगे राम और ना जाने क्या क्या कहते हैं देखिए राम तो जोड़िए पब्लिक राम की, तो राम की कुछ ऐसी कृपाएं होती हैं कि शब्द भी राम बन करके हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं और जब वो निकलते हैं तो राम ही निकलेंगे श्री राम दो अक्षर प्यारे भव सागर पार उतारे श्री तुलसी ने जिनके श्री चरण पखारे दोहे अभिनंदन करते वंदन करती चौपाई सिया राम सिया राम नाम सुखदाई सबके सिया राम सहाई भजो राम Bajoram, Bajoram. श्री राम कीर्तन धुन में रहते हैं लगन मगन में श्री राम कृपा करते हैं रहते हैं उनके मन में श्री पवन पुत्र हनुमंता उनके हैं सदा सहाय सिया राम सिया राम नाम सुखदाई सब के सिया राम सहाय भजो राम भजो राम वाह 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 भजो राम बहुत अच्छी आपने बात बताई कि पता है आपने भग वाल्मीकि भगवान वाल्मीकि के नाम से अभी अयोध्या में मोदी सरकार ने एयरपोर्ट का निर्माण किया है और यकीनन आ, उसी एयरपोर्ट पे बहुत सारे वी वी जनवरी को उतरेंगे और भगवान राम के दर्शन करेंगे बाबू जी ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई क्या ये जो कभी कविता गा रहे थे आप ये आपने ही लिखी है या आ, ये मेरी ही लिखी हुई कविताएँ जो मुझे याद हैं कमाल कर दिया आपने बहुत ही अच्छा लगते हैं नहीं नहीं ये प्रभु कृपा है आप लोगों का प्रेम है अच्छा वो लिखवा लेता है अच्छा आप तक पहुंच जाता है और कवि को अच्छा ही लिखना चाहिए अगर उसे आगे तक रहना है तो हम तो कहते हैं कविता जिसके साथ जुड़ जाती है समझ लो माँ की कृपा उस पर हो जाती है पटाखा जी माँ की कृपा तो प्रत्येक व्यक्ति पर होनी भी चाहिए और मैं कहता हूं बनी रहनी चाहिए हम आपके ऊपर क्या दिया आपको कविताओं ने पूरा जीवन निकाल दिया आपने कविता पाठ करते हुए सैकड़ों पुस्तक लिख डाली सीडीज निकाल दी और बहुत सारे रिकॉर्डर लिख डाले अब आखिर मिला क्या आपको इनसे आपने पूछा है कि मुझे कविता ने क्या दिया मुझे याद लगता है कि मुझे कविता ने क्या नहीं दिया सब कुछ दे दिया मेरे आठ आठ बेटियों की शादी परवरिश पढ़ाना लिखाना बेटे को भी आगे बढ़ाना यह सब कविता के माध्यम से हुआ मैं तो बहुत मुझे याद है कि मेरे पिताजी इसमें डीएमओएच दिये, डी एम ओ एच ऑफिस में चपरासी हुआ करते थे और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हाई स्कूल मैंने पता नहीं कैसे कर लिया उसके बाद नौकरी के लिए पिताजी तलाश करते रहे मैं पुलिस में भर्ती हो गया तब तक कविता मेरे साथ नहीं थी लेकिन कविता के आते ही जो विस्फोट हुआ कविता ने जैसे मेरी बाह पकड़ ली कविता मुझे कदम कदम पर आगे बढ़ाती गई और कविता का ये ऐसा प्रचार प्रसार हुआ कि मेरी किताबें छपने लगी किताबों से मुझे रॉयल्टी मिलने लगी किताबों से मेरी बेटियों की शादी होने लगी कविता ने मेरा भंडार भर दिया जिसकी मुझे कल्पना नहीं थी वो सब मुझे कविता ने दे दिया आज आपकी आपकी कृपा से आज कविताओं में नहीं मैं आनंद ले रहा हूँ और उस कविता का ही प्रभाव है कि मैं आपसे इतनी मधुर वाणी के साथ में अपनी कविताएं आपको सुना रहा हूं ये कविता का ही प्रभाव है कि आज भी मेरे पास प्रकाशकों की लिस्ट है कि साहब हमारे लिए किताबें बनाइए और मैं उनके लिए किताब बनाने की प्रयास में रहता हूं नई नई किताबें बनाता हूं अभी मेरी कुछ किताबें ओम बुक्स इंटरनेशनल से आ रही हैं जो विदेशों में पचास विदेशों में मेरी किताब जाएगी जो बच्चों को पढ़ाई जा रही है और आपकी ये कविता का ही प्रभाव है कि मुझे मेरा बेटा जो सेवासी शर्मा है वो मुझे कविता से ही मिला क्योंकि मैं कवि सम्मेलन में बंगलौर गया था वहाँ एक संत ने मुझे आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटा तुम्हारी आठ बेटियाँ हैं आपके बेटा ही तुम्हें मिलेगा कुछ ऐसी कृपा हुई कवि सम्मेलन से लौटे उसके बाद फिर बेटे का जन्म हुआ और आपके बीच में बेटा अपनी चित्रकारी से अपने रंगों से आपके बीच में खेल रहा है तो ये कविता का आशीर्वाद है जो आज हम सबके बीच में फल फूल रहा है कविता नहीं होती तो सच मानिए हमारी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं क्या मोड़ होता कविता ने हमें संभाल के रखा कविता ने हमें वहाँ पहुँचा दिया जहाँ हम कल्पना भी नहीं कर सकते कविता ने हमें पूरा देश घुमा दिया कविता का ही प्रभाव है कि हम ये हमें हवाई जहाज़ की कितनी यात्राएँ करा दी कविता नहीं होती तो हम तो साइकिल पर चलने वाले हैं साइकिल ही चलाते रहते लेकिन वह कलम काव्य रस गागरी छल के ऐसे रंग जीवन में आनंद है करते रहो उमंग वाह बहुत अच्छे पटाखा जी कोई ऐसा मौका याद है आपको समय याद है जब आप आर्थिक बेबसी से जूझ रहे हों और उस समय भगवान राम की तरह कविता आपका हाथ पकड़कर आगे खींच ले गई हो कोई ऐसा संस्मरण आपको याद हो आपको सैकड़ों हजारों श्रोता और दर्शक सुन रहे हैं अंदर से बोलिए मन के भाव मन के द्वार खोलकर देखिए मुझे याद आ रही हैं उस समय हमारा तंग हाथ था पैसा हमारे पास था नहीं और बेटियों की शादियों का आ, हमारे पास प्रस्ताव आने लगे कि बेटी की शादी में ये सब व्यवस्थाएं करनी हैं और हम ठन ठन गोपाला लेकिन बाहरी कविता हमने अपने एक प्रकाशक मित्र से कहा कि भाई हमारी किताब जो आप छाप रहे हैं इसकी हमें अग्रिम रॉयल्टी दे दीजिएगा ताकि हम अपनी बेटी की शादी कर सकें तो प्रकाशक ने कहा कि कितना चाहिए मैंने कम से कम पचास हज़ार बोले पचास तो नहीं है आप मुझसे पच्चीस हज़ार ले जाइएगा इस तरह से मुझे दो तीन प्रकाशकों ने मेरी मदद की और मेरा बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह सम्पन्न हो गया और वो किताबों से ही मुझे जो है वो सबका कर्जा भी मुक्त हो गया तो किताबें कविता और बेटियों का सब भंडार भरते हुए चले गए ये सब कविता का ही तो प्रभाव है कविता ही जीवन के साथ जुड़ी हुई हमारी वो कड़ी है जो हमें आनंदित करती है चलिए बहुत अच्छी बात बताई ये प्रेरणा है नए लेखकों के लिए नए जो कवि बन रहे हैं जो शायर बनने उनके लिए आप प्रेरणा के स्रोत हैं पटाखा जी अभी मैंने एक छोटा सा वीडियो देखा है आपका कहीं आप बड़े ढपली बजाते हुए उछलते कूदते हुए भगवान राम के गुणगान कर रहे हैं और लिगड़ के भी बहुत सारे लोग गए आखिर माजरा क्या है और अगर आप मुझे साझा करें क्या गीत गाया था तो मैं भी आनंद उठाऊंगा उसका आपने मुझे याद दिलाया कि राम की कृपाओं जब मिलती हैं तब कैसे हम अपनी रचनाओं से नमन करते हुए आगे चलते हैं मुझे याद आ रहे हैं वो क्षण आज से सात आठ महीने पुरानी बात है मैं चाह रहा था कि मैंने ये जो राम का गीत लिखा है ये जो गीत रामायण रोम रोम श्री राम मेरे हृदय में बसे हैं क्या प्रभु ये अयोध्या में इसकी शूटिंग नहीं हो सकती तो परमात्मा ने कैसा हाथ पकड़ा यहाँ के हमारे एक बड़े अच्छे मित्र हैं डॉक्टर राजेंद्र वासने जी मैंने उनसे ज़िक्र किया कि साहब मैं चाहता हूँ कि ये जो राम की कथा मैंने गाई है इस राम की कथा का फिल्मांकन जो है अयोध्या की धरती पर होना चाहिए तो उनके मन में पता नहीं क्या भाव आया उनका हाँ बिल्कुल होना चाहिए और मैं इसके लिए प्रयास करता हूँ बस उसके बाद वो भी अपनी लगन से जुड़े और उन्होंने 40 लोगों का एक ऐसा दल बनाया जो एसी गाड़ी से यहाँ से रवाना हुआ मैं और मेरा बेटा हम लोग ट्रेन से गए अगले दिन वहाँ अयोध्या पहुँचे और अयोध्या में हम दो दिन तक राम की ऐसी कृपा रही कि हम वहाँ शूटिंग करते रहे सरयू के तट पर हमने फिल्मांकन किया मंदिरों में फिल्मांकन किया हम अपनी ढपली लेकर के पूरी अयोध्या में गाते रहे और जहाँ जहाँ राम की कृपा मिलती गई हम उस धूली को अपने मस्तक पर उनके उसमें गुनगुनाते हुए गाते हुए भक्तों के बीच की टोली में हमने वहाँ की शूटिंग पूरी कर ली वारे मेरे अंतर्यामी राम तूने ऐसी कृपा करी कि बिना किसी व्यवधान के हम अपनी शूटिंग करके यहाँ आ गए लेकिन उसके बाद कुछ व्यवधान ऐसे हुए कि ना तो हम ऑडियो ढंग से कर पाए ना वीडियो वाले ने भी हमें बड़ा झटके में रखा काम बनने ऐसे लग रहा था कि हे प्रभु ये कैसे हो पाएगा बनते बनते काम बिगड़ रहे थे काम बनते बिगड़ते गए बिगड़ते बिगड़ते फिर बनते गए और कुछ ऐसा बना कि फिर आखिर में हमने दिल्ली की एक पार्टी से कहा कि भाई इसको एडिट करके हमें रिलीज़ करनी है और नए साल पर हम इसको लाना है तो राम जी की कृपा हो गई अब वो हमारी तैयार हो गई है उसका नाम है रोम रोम श्री राम क्यों ना रोम रोम में राम की कुछ पंक्तियाँ श्रोताओं जी श्रोताओं को सुना श्रोताओं के बीच में हम रखते हैं क्योंकि ये तो रोम रोम राम जो है मेरे रोम रोम में क्या है तो सबके रोम रोम में राम बसे हुए हैं हमारे कड़कड़ में राम बसे हुए हैं सरयू की लहर लहर में राम बसे हुए हैं तो मैं कह सकता हूँ कि परम प्रेम में राम हैं राम परम आनंद राम कृपा ऐसी हुई मिले राम के छंद वाह क्या बात है राम कहा मुख खुल गया राम राम कहा मुख बंद राम राम रसना रटे रोम रोम आनंद राम कथा संकीर्तन मनन भजन गुणगान जिस क्षण से होने लगे उस क्षण से कल्याण तो राम की तो माया ही ऐसी है कि आप जिस क्षण से राम के नाम को पुकारेंगे उसी क्षण से आपका कल्याण होने लगेगा तो हमारी एक घंटे से कुछ मिनट की हमारी ये रोम रोम श्री राम की जो फिल्म माला है ये जल्दी ही आपके बीच में आएगी आपको आपको आनंदित करेगी और आपको प्रभु श्री राम से जोड़ेगी ऐसा मेरा विश्वास है क्या कहा और सुनना चाहते हैं? श्रोता और एक पंक्ति सुनना चाहते दशरथ के राज दुलारे, की आंख के तारे वे खेल रहे अंगने में जग भर के श्री उजियारे वाह वाह वाह। ताली बजा मेरा राजा रानी मन में हर साई सिया राम सिया राम सिया राम का जी लक्ष्मण हो गए राम हो गए आखिर हनुमान जी कहाँ गए उनका भी तो कुछ तैयार किया होगा आपने गुण ज्ञान ध्यान गंभीरा उस समय का चित्र है जब हनुमान जी को ये बताया जाता है कि आपके अंदर तो अतुलित बलधाम है प्रभु आप जागृत हो जाइए और माता सीता का पता लगाइए तब वो पर्वताकार हो जाते हैं और उस समय का केवल दो लाइनों में भी मुझे ऐसा लगा कि हनुमान जी ने विशेष कृपा कर दी और ये लाइनें मुझे मिल गईं गुण ज्ञान ध्यान गम्भीरा हनुमत का बड़ा शरीरा हूंकार गगन में गूंजी उठ खड़ा हुआ बलबीरा श्री राम का सुमिरन करके जय श्री राम वाह श्री राम का सुमिरन करके आकाश छलांग लगाई सिया राम सिया राम सिया राम वाह पटाखा जी राज खोल दीजिए जी ये बैटरी कहाला कर रखी है ऊर्जा की लीजिए एक और चित्र मुझे हनुमान जी का याद आ गया आपने जब याद दिलाया है हनुमान जी के कहाँ कहाँ राम विराजमान हैं ये शब्दों का चमत्कारी है कि उसने बता दिया कि राम यहाँ यहाँ विराजमान हैं और ये कब हुआ ये चित्रांकन जब हनुमान जी सीना चीर के दिखाते हैं कि मेरे तो रोम रोम में राम विराजम अब पुरुषकार सब पाए श्री हनुमान हर साए मेरे मन में राम बसे हैं कह छाती चीर दिखाए wow. रोम रोम में राम विराजे राम छवि दिखलाए सिया राम हृदय राम कंठ राम नैन राम मुकट राम भुजा राम हाथ राम साथ गदा राम है यहाँ राम वहाँ राम धरा राम गगन राम मगन मारुति के रोम रोम राम राम है राम स्वर है राम ताल राम के मजीर बोल राम की खड़ताल बजे राम के नगाड़े ढोल यहाँ बोल वहाँ बोल राम चाहे जहाँ बोल बैठे बोल ठाड़े बोल राम बोल डोल डोल, डोल राम को लगे न मोल राम मिले बिना मोल राम बोल राम बोल राम नाम प्यारे बोल राम नाम में कितना बल है लगा नहीं अनुमान राम नाम को लेकर उड़ गए पवन पोत्र हनुमान पटाखा जी जय श्री राम जय श्री राम सियावर रामचंद्र की जय बोलिए संत जनों की जय बोलिए सर्वजनों की जय राम, राम भजो राम भजो राम भजो भाई राम नाम सिया राम बड़ा सुखदाई राम भयो राम भजो राम भजो राम, भजो राम, भजो राम। वाह 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 ये थे हमारे साथ पटाचा का जी और यकीन आपने प्रेम किशोर पटाका जी के इन शानदार आध्यात्मिक गीत और पटाका जी आप हर चीज में अब्बल हैं मेरी ओर से आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ एक हो। एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं अगर आप जवाब दें तो बताए आप इतने धनी हैं लेखनी में सैकड़ों पुस्तक लिख डाली ऑडियोज हैं आपके रिकॉर्डर हैं लेकिन भारत सरकार द्वारा क्या कभी बड़े मंच से आपको बुलाकर मान सम्मान की दावत दी गई देखिए आप पत्रकार हैं आप तो जानते ही हैं आज की जो राजनीति का ये ये जो उलझाव है ये जो जाल है इसमें हम लोग फिट नहीं होते क्योंकि हम शब्दों के परमात्मा ने हमें जादूगर बनाया है हम इस कला के जादूगर नहीं हैं इसमें भी जादूगरी चलती है वो हम नहीं जानते हम तो शब्दों की ही दुनिया में रहते हैं हम इसके पीछे नहीं लगते ना ही हमने कभी प्रयास किया और प्रयास करेंगे भी तो हमें लगता नहीं है कि हमें कोई पुरस्कार मिल जाएगा तो क्या आपके रोम रोम में राम है बस रोम रोम में राम है तभी तो भला करेगा राम आपका यही तो हमारा सबसे बड़ा परिणाम है कि हमें वही सबसे बड़ा पुरस्कार हमारे हृदय में विराजमान है तो यकीनन आपके रोम रोम में है राम और भला करेगा श्री राम जय श्री राम श्रोता और दर्शकों को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा जिन भी दोस्तों को दूर दराज बैठे भारत ही नहीं भारत के बाहर के बैठे दर्शकों को श्रोताओं को ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मुझे ऊर्जा बनाने के लिए मुझे सहयोग करते रहें और यूट्यूब पर घंटी बजाकर और फेसबुक पर फॉलो कर मुझे अपना आशीर्वाद दें और ऊर्जावान बनाएं जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा ऐसे महान शख्सियतों को आपके सामने लाकर उनकी प्रस्तुति दिलवाता रहूं और साथ में मैं कदम से कदम मिलाकर मुख्य धारा के साथ चल सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद